हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले 26 सितंबर 2021 का बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स। इस वीडियो में करेंगे बिहार से स्पेशल बिहार का करेंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिहार का करेंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार का स्पेशल करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के VC यानी वाइस चांसलर प्रोफेसर हनुमान पांडे को अतिरिक्त विश्वविद्यालय के VC यानी वाइस चांसलर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यह दिया गया है TMBU को, यानी कि इसका फुल फॉर्म है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। जो ये प्रोफेसर जो हनुमान पांडे हैं, इनको जो ये बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वाइस चांसलर है और इसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी को। ये 3 दिन ये बिहार विश्वविद्यालय में काम करेंगे जाएंगे और 3 दिन ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जाएंगे। चलिए दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए गया कॉलेज के किस छात्र को दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है विशाल राज को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाल राज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को बिजली की क्षति को लेकर AT&C लॉस को कितना से कितना प्रतिशत तक बीच लाने का लिए कहा गया है। तो ये लाने के लिए कहा गया 12 से 15%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 15%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान में होने वाली एशियन जूनियर पैरालंपिक सेटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए राज्य के किस दिव्यांग खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो यह हुआ है राजेश कुमार और मोहम्मद अशरफ अली को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ये राजेश कुमार को और मोहम्मद अशरफ अली को, ये जो ईरान में होने वाली है एशियन जूनियर पैरालंपिक सेटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इसमें यह दिव्यांग खिलाड़ी को चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला को वर्ष 2020 का कला के क्षेत्र में रंग शांति स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है मालिनी अवस्थी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालिनी अवस्थी। तो दोस्तों, ये आज का बिहार करेंट अफेयर्स पूरा कर लिए। अब इसका प्रैक्टिस सेट देखते हैं, जो बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सेट है जो 67वीं BPSC के लिए खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, बिहार में मैग्नेटाइट पाया कहाँ जाता है। तो ये बिहार में पाया जाता है गया और जमुई में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो यह बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 93,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का यह क्षेत्रफल है। अगला है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। तो यह माना जाता है विलियम बेंटिंक को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है। तो यह नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो यह एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो ये होता है 120/80। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120/80। तो दोस्तों, ये 26 सितंबर से संबंधित करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल 67वीं BPSC के लिए भी उसका क्वेश्चन देख लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।